राधे राधे मित्रों, इंडिया टूर का 35 हार्ड चैलेंज में आपका स्वागत है भाई। तो आज है भाई डे वन, और देख सकते हैं डे वन आज मेरा इस प्रकार है। यहाँ से हमने स्टार्ट कर रहा है, ये है बता दें, ये एक बिल्डिंग है कंस्ट्रक्शन वाली। ये बिल्डिंग में कलकान किया था यहीं पे, और ये थी हमारी सोने की जगह। अब हम आगे की ओर चलते हैं, और आज हम हैं केरला में, और केरला है कोची से करीबन 25 किलोमीटर आगे आ गए हैं, और यहाँ से हमारा 2500 किलोमीटर का सफर स्टार्ट होता है देवान से। मैं देख सकते हैं पीछे मेरा पुलिस स्टेशन, यहीं पे हमने फ्रेश वगैरह सारा कुछ कम्प्लीट कर लिया। अब यहाँ से गोवा का सफर स्टार्ट हो जाता है। देखो हाई ऑफ किलोमीटर तो ज़्यादा है, करीबन 600 किलोमीटर तक होगा, और टारगेट बहुत बड़ी है। तो और यहाँ की सड़कें ना, ये NH है, ये देखो इस प्रकार कुछ हाईवे है, टू लाइन और पब्लिक यहाँ ना इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताएं। मतलब कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जहाँ पे घर ना बना हो, पूरा घरों से भरा हुआ यार। कभी गूगल मैप में ट्राई करना, केरला पता चले। एक चीज़ भाई, आप लोग बोलते हैं ना कि पैदल कितना चलना पड़ता है। देखो ये सिटी एरिया है, तो सिटी एरिया में ना लिफ्ट वगैरह कम मिलती है, तो सिटी एरिया बाहर जाना पड़ेगा, करीबन 2 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा कम पब्लिक देखने को मिलेगा, वहाँ पे हम लिफ्ट ले सकते हैं। तो भाई जो हमारा पहला काम है लिफ्ट लेना, तो हमने स्टार्ट कर दिया। देखो कितनी देर में लिफ्ट मिलती है। तो भाई पहली लिफ्ट सक्सेसफुल हो गई है, सफर जा रही है। ये कुछ नज़ारा भाई, समुद्र काफी प्यारा लग रहा है, और अभी हम लोग सी फेसिंग रोड में है, आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। काफी मस्त लग रहा है समुद्र। भाई पाली लिफ्ट ने हमें यहाँ तक उतार दिया। मतलब केरला में ना कभी गांवें खत्म नहीं होते यार, पूरा एरिया ही बिजी है, आपको जरा सा भी खाली एरिया नहीं मिलेगा पूरा हाईवे में भी। तो भाई तब तपाती धूप ने हमने सेकेंड लिफ्ट लिया, तो हम मिलाते हैं भैया से। भैया हाई कर दीजिएगा हमारे चैनल में। तो भाई ये देख सकते हैं, ये हाईवे बन रही है कन्याकुमारी टू मुंबई वाली, कार्य प्रक्रिया जारी है यार। बहुत भयानक हाईवे बनाया जा रहा है यहाँ पे, करीबन 2000 किलोमीटर का ये हाईवे बनने जा रहा है। दोपहर का खाना खा लिया, एंड आज जो खाना खाया। तो भाई यहाँ से 112 किलोमीटर और रह गया कन्नौर, कन्नौर पहुँचना होगा, सभी अच्छा लगेगा यार। उसके बाद कल कर्नाटका पहुंच जाएंगे। मैं खाना खाने के बाद फिर से लिफ्ट लेना स्टार्ट कर गया। देखो यार कितनी देर में मिलेगी। ये थोड़ा आंबा का पेड़ ना, तो उसी के नीचे लिफ्ट ले रहे हैं, थाम है थोड़ा अच्छा। और सड़कें बहुत ही ख़राब है यार, टू लाइन है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो भाई फाइनली हमें थर्ड लिफ्ट मिल गई है खाना खाने के बाद, ये कार में मिली। सभी हाई कर दीजिएगा हमारे चैनल में। ओके, तो 30 किलोमीटर की मिली है भाई, मस्त नज़ारा है इधर का। चलो तो भाई गाड़ी से हम उतर गए हैं, और जा रहे हैं आगे की ओर। इधर हाईवे अच्छा नहीं है ना, इतना प्रॉब्लम है ना, छोटा छोटा लिफ्ट मिल रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये जो अभी लिफ्ट मिला था आई थिंक 7-8 किलोमीटर का था। यहाँ से बीच साइड होते हुए कन्नूर की ओर जाएंगे, कन्नूर भी दूरी है, ऐसे तो 1 घंटा का रास्ता है जितना जैसा किलोमीटर है, लेकिन जिस तरह से यहाँ ट्रैफिक है ना, उस प्रकार से भी बहुत दूर है। पूरा का पूरा केरला ही सिटी ही टाइप से लगता है यार, एक जरा सा भी खाली नहीं है, पूरा का पूरा भरा पड़ा है यार, पूरा एरिया मतलब भर गया। तो भाई फोर्थ लिफ्ट मिल गई है, चलो देखो यार कहाँ तक आज सफर कंटिन्यू कर पाते हैं। आज का टारगेट जो है ना बहुत पीछे चल रहा है, करीबन 120 किलोमीटर ही आ पाए यार, 96 किलोमीटर का नूर अभी भी बचा हुआ यार। केरल टफ होता जा रहा है यार, सड़कें थोड़ी अच्छी नहीं है, इस कारण लिफ्ट नहीं मिल रहा ऊपर। तो भाई लिफ्ट मिल गई है, तो अभी स्कूल बस तो यार देखो बच्चे नहीं है, हम ही बच्चे अभी स्कूल चले हम पीछे। भाई सिटी में ना लिफ्ट लेना बहुत ही मुश्किल है, कब से ट्राई कर रहे हैं यार। देखो कन्नूर करीबन 90 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है, और सिटी के अंदर है यार। केरल में सिटी खत्म ही नहीं होता यार, छोटा मोटा गांव सिटी मिल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और
अभी भी 90 किलोमीटर का सफर बचा हुआ और अभी 4 बजने को है। प्रॉब्लम है, पता नहीं गोवा आप 2-3 दिन लग जाएगा पहुंचने में। भाई हम सोचे थे कन्नूर पहुंच जाएंगे तो गोवा कल पहुंच ही जाते, बट नहीं हो पाएगा। सफर भी देखो, दिल तो जिद्दी है भाई। दालका भाई बहुत बड़ी लिफ्ट मिली है, अराउंड 200 किलोमीटर प्लस में भी हम गोवा कल तक पहुंच जा सकते हैं। भैया करीबन 200 किलोमीटर यानी मैंगलोर साइड तक जा रहे हैं। एंड भैया हाई कर दीजिएगा हमारे चैनल पे। भाई सच में बहुत अच्छे पर्सन है, हमने बस अंगुली दिखाया था, इन्होंने हमारे भावना से कनेक्ट होके गाड़ी ब्रेक मार के यार बैठा लिया। यार करीबन ना बता दे सिटी के अंदर 2 घंटा कंटिन्यूसली चले हैं, ये पूरा रियलिटी है बता रहे हैं भाई। पूरा देख सकते हैं पूरा पसीना हो गया शरीर। खैर भाई मतलब भगवान देर से सही लेकिन देते जरूर है, इसी प्रकार हमारा मेहनत भी जारी है भाई। मेहनत करते रहेंगे भले देर से ही सही, जब भी मिलेगा ना छप्पड़ फाड़ के मिलेगा। यार सोचो लास्ट टाइम में 200 किलोमीटर ये बहुत मायने रखता है। हे सुरदेव आशीर्वाद देना, आशीर्वाद। भाई ट्रक में 80 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है भाई, और देखो रात भी हो गई और ये रहा पेट्रोल पंप, पेट्रोल अपने डलवा लेते हैं और उसके बाद आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे भाई। तो भाई ट्रक में चलते चलते रात हो गया यार, बहुत कस के भूख लगी, तो हम लोग देखो पहुंच गए खाने के लिए और अभी फटाफट खा लेते भाई, सफर तय किया जाएगा। भाई सबसे पहले तो खाना लपेट लेते हैं और भाई डे 1 यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं डे 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।